हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और एशिया में 5 सब रीजन्स हैं, जिसका वन ऑफ द सब रीजन साउथ ईस्ट एशिया हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एज द नेम इम्प्लाइज, सदर्न ईस्ट पोर्शन ऑफ एशिया में है साउथ ईस्ट एशिया। सो साउथ ईस्ट एशिया में टोटली 11 कंट्रीज हैं, और हर कंट्री को मैं उसके कैपिटल के साथ बोलूंगा। तो पहले नॉर्दर्न पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है म्यांमार, जिसका कैपिटल है नोपिडाओ, और फिर थाईलैंड, जिसका कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड के ईस्टर्न में है लाओस, जिसका कैपिटल है वियंटियन, और लाओस के ईस्टर्न में है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कंट्री है वियतनाम, और उसका कैपिटल है हनोई। लाओस के सदर्न पार्ट में है छोटा सा कंबोडिया, जिसका कैपिटल है फ्नोम पेन। फिर ये ग्रे वाला पोर्शन जो दो हिस्सों में बटा है, ये है मलेशिया, जिसका कैपिटल है क्वालालंपुर, और मलेशिया के सदर्न टिप में है छोटा सा एक सिटी जो कि है कंट्री ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है जो कि है ब्रुनेई, और उसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगावान। और फिर ये ग्रीन वाला जो जितना एरिया है, जो आइलैंड्स है, सब है इंडोनेशिया। वो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में, उसका कैपिटल है जकार्ता। फिर आता है ये वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि है फिलीपींस, और उसका कैपिटल है मनीला। और सबसे आखिर में आता है यहाँ पे साउथ पे ये दो आइलैंड्स ब्लू कलर के, वो है ईस्ट टाइमोर, और उसका कैपिटल है दिल्ली। साउथ ईस्ट एशिया फर्दर दो हिस्सों में बटा है ज्योग्राफिकली, सो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया और मैरिटाइम साउथ ईस्ट एशिया। मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, और मैरिटाइम साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई और ईस्ट टाइमोर। सो ये वाला रीजन तो है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसपे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं, और यहाँ पर है मैरिटाइम साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ईस्ट टाइमोर आते हैं। सो ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड को बोलते हैं बोर्नियो का आइलैंड, ये ज्योग्राफिकल टर्म है। इस आइलैंड में टोटली 3 कंट्री है। जो सदर्न मोस्ट पार्ट है सबसे बड़ा, वो है इंडोनेशिया का कलिमंटन प्रोविंस, और ऊपर जो दो छोटे लैंड है वो है ब्रुनेई का देश, और बोर्नियो जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है आफ्टर ग्रीनलैंड एंड न्यू गिनी। और एक देश ऐसा है मलेशिया, जो कि दोनों में आता है, मेनलैंड में भी और मैरिटाइम में भी। मलेशिया का ये छोटा सा हिस्सा आता है मेनलैंड में, जिसको बोलते हैं पेनिनसुलर मलेशिया, और मलेशिया का ये दूसरा हिस्सा आता है बोर्नियो के आइलैंड में, जो कि ईस्ट मलेशिया। अभी हमने साउथ ईस्ट एशिया को ज्योग्राफिकली देख लिया, अभी पॉलिटिकली देखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया का खुद का एक एसोसिएशन है, जिसको बोलते हैं आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस एसोसिएशन में टोटली 10 कोर मेंबर्स हैं, जो कि है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और अलग से दो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, जो कि पापुआ न्यू गिनी एंड ईस्ट टाइमर। ये दो ऑब्जर्वर स्टेट्स आसियान के पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, लेकिन किसी डिसीजन में वो वोट नहीं कर सकते। आसियान काउंसिल में ये देश साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सिक्योरिटी की डिस्कशंस करते हैं। आसियान का इस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुआ था, और आज आसियान के कंट्रीज का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जैसे इंडिया के साथ, चाइना, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी में बहुत डेवलपमेंट हुई। इन्हीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से आज साउथ ईस्ट एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जिसमें बैंकॉक, सिंगापुर और क्वालालंपुर टॉप 20 मोस्ट विजिटेड सिटीज में आते हैं। बैंकॉक उसमें नंबर 1 है विद 22 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर। फिर सिंगापुर आता है विद 14 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर, और क्वालालंपुर विद 13 मिलियन टूरिस्ट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।